So this is the Vivo Z1 Pro. Iske first impressions dikhaye smartphone ke, aapko unboxing bhi dikhaye aur kafi demand aayi hai ki iska review chahiye. Humne ye use kiya phone kafi din aur ab aapko dikhayenge iska review bhi. 14,999 rupees is smartphone ki keemat hai aur aapko bata dein ki kafi competitive price hai aur isme jo features hain bahut hi behtareen kafi sare hain aur tabhi isko bulaya ja raha hai a fully loaded smartphone. To karte hain isi fully loaded smartphone Vivo Z1 Pro ka pura review. Aap dekh rahe hain Tech Tak, main hoon Shruti Sharma. 6.53 inches screen hai aur ye bezel-less hai aur isme koi notch nahi di hai balki it's a punch hole design. इसमें बटन्स यूजुअल दिए गए हैं. दो कलर्स में इसे लॉन्च किया गया है, सोनिक ब्लू और सोनिक ब्लैक. साथ ही इसमें ग्रेडियंट फिनिश है, सो इट कीप्स चेंजिंग द कलर. फ्रंट कैमरा पंच होल में ही दिया गया है, इनफैक्ट इसे इन डिस्प्ले कैमरा भी कहा जा रहा है. इसका डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट और ब्राइट है. ना आफ्टर डिजाइन प्रोसेसर की बात करें तो स्पेक्स और हार्डवेयर इस कीमत में अच्छी हैं और फोन बिना किसी लैग के चलता है. क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर नया है और काफी बेहतरीन. इसकी स्टोरेज है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज. साथ ही एंड्रॉइड पाई पर चलता है. साथ ही इसमें कोई सिस्टम वाइड एड्स नहीं है, तो इट्स गुड टू यूज. ऑफकोर्स स्मूथ भी है. पबजी खेल रही थी. एक्चुअली वीवो Z1 Pro वो स्मार्टफोन है जिसपे जो पबजी का कॉम्पिटिशन हुआ था नेशनल लेवल पे इंडिया में, उसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने वीवो के Z1 Pro पे ही पबजी खेली थी और जो विनर है उसने इस पे ही खेल के अपना कॉम्पिटिशन जीता था. तो दिस इज़ अ ऑफिशियल स्मार्टफोन जिसपे पबजी का कॉम्पिटिशन हुआ था. तो यू कैन इमेजिन कि ये गेमिंग में कितना बेहतरीन फ़ोन होगा. तो गेमर्स के लिए ये फ़ोन फुली रिकमेंडेड है, 100% रिकमेंडेड है. साथ ही इसमें गेमिंग मोड भी है जिसमें आप टॉगल कर सकते हैं और उसमें फ्रेम रेट्स जो हैं काफ़ी अच्छे मिलते हैं ताकि आपके पबजी का एक्सपीरियंस इसमें एकदम स्मूथ रहेगा. और मैंने खेली पबजी अभी इस पर एंड इट्स कमिंग आउट टू बी फैंटास्टिक. कैमरा की बात करें तो इसमें दिया गया है ट्रिपल कैमरा सेटअप और 8 मेगापिक्सल सुपर वाइड एंगल, 16 मेगापिक्सल सोनी IMX 499 सेंसर और 2 मेगापिक्सल फॉर बोका इफेक्ट. 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है. गुड लाइट में रियर कैमरा अच्छी पिक्चर्स देता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, डिटेल्ड फोटोज हैं और रिच कलर्स है. यू कैन सी सम पिक्स, लेकिन लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ग्रेनी है एज यू कैन सी, बट इम्प्रूव योर लाइटनिंग. नाइट मोड दे दिया गया है इसमें, विच इज़ अ गुड ऑप्शन, एंड देन द पिक्चर्स फेयर गुड. इस साथ ही इसमें वाइड एंगल शॉट्स भी हैं जो कि अच्छे आए जब हमने वाइड एंगल से शूट किया तो, एंड यू कैन टेक अ लुक एट सम ऑफ द पिक्चर्स. बत्तीस मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है और इससे सेल्फी हमने कुछ क्लिक करी है, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन सेल्फीज आई हैं और ब्यूटी मोड में भी आप देख पा रहे हैं. एंड कलर्स आर गुड, वेरी नीट एंड क्लीन पिक्चर एंड डिटेल्स आर आल्सो वेरी नाइस. सो या अ गुड सेल्फी कैमरा एज वेल. Now moving on to the battery of the Vivo Z1 Pro, 5000 mAh की booming battery इसमें दी गई है. दो दिन तक साथ निभाया और क्योंकि ये gaming phone भी है तो battery 5000 mAh की बनती भी है और उसने justify भी किया इसको क्योंकि दो दिन तक exhaustive PUBG मैंने खेली इस पर और ये काफ़ी लंबा चला. दो दिन के बाद भी थोड़ा टाइम बचा था कि ये इसमें जान बची थी इन टर्म्स ऑफ बैटरी. वहीं आपको बता दें कि 18 वॉट का चार्जर भी इसमें दिया गया है, सो इट सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग. So you don't have to worry about this charging slowly. No, it charges very fast and good in terms of battery also. So अब verdict ये है कि Vivo का Z1 Pro हमें खरीदना चाहिए या नहीं. आप बिल्कुल खरीद सकते हैं. Let's go one by one. डिज़ाइन के मामले में इट इज़ द लेटेस्ट डिज़ाइन, पंच होल डिज़ाइन है इसका. साथ ही बैक में जो ग्रेडियंट डिज़ाइन है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. आपको ट्रिपल कैमरा इसमें मिल रहा है, कैमराज डिसेंट परफॉर्म करते हैं. बैटरी 5000 mAh की है विच इज़ फैंटास्टिक फास्ट चार्जिंग के साथ. और साथ ही आपको बताएं कि गेमिंग के लिए ये बहुत बेहतरीन फ़ोन है जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल. चाहे कोई भी गेम आप खेल रहे हो, स्पेशली पबजी, तो इस पर फैंटास्टिकली चलती है, आपको बताया हमने. और इट्स अ गुड फ़ोन. और कीमत जिस तरह से हमने आपको बताई इसकी कि 14,999 रुपए से ये शुरू होता है, तो कीमत वाइज जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं काफ़ी बेहतरीन है. तो एक ऑलराउंडर फ़ोन है, आप खरीद सकते हैं इसे. द ओनली थिंग दैट वाज अ कंसर्न मेरे लिए कि ये फ़ोन बहुत भारी है. एवरीडे यूजेज के लिए अच्छा फ़ोन है लेकिन भारी बहुत है.
लेकिन भारी मेक्स इट स्टर्डी ऑल्सो एंड आई थिंक टू हैव योर शॉट्स राइट व्हेन यू प्लेइंग पबजी भारी फोन इसीलिए बनाया गया है। बाकी वेरियंट आपको बता दें 6GB और 64GB इसमें है और साथ ही इसमें 6GB और 128GB वेरियंट भी है, तो आप अपने हिसाब से स्टोरेज के इसे खरीद सकते हैं और पैसे खर्च कर सकते हैं। सो ओवरऑल ऑलराउंड द फोन बट थोड़ा हैवी वेट है। यस, टेक तक को सब्सक्राइब करें, तो कुछ जानना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, इस फोन को लेकर ज़रूर बताएंगे आपको। और देखते रहिए टेक तक।